मेरे पास ग्रीन कार्ड था आपने ग्रीन कार्ड गिव अप कर दिया हाँ दस साल पहले अब क्या कहते हैं गलती <laughs> तो एकदम एक नहीं, नहीं, है। आप क्या लगड़े लूले करो अगर आप प्यारा लड़का रोता है ना तो सब रोते नवाजुद्दीन हैं रो रहे है, कोई नहीं रोता आप प्यारे हो लड़कों के नाम भी ले सकते हैं ना क्या मीठे में आपका लड़का ही यानी कि सेफ होने की कोई गुंजाइश नहीं है और मैं चाहूंगा जो जो अवार्ड सेरेमनीज आप प्रेजेंट कर रहे होते बार बार आप मेरा नाम <laughs> कर रहे <laughs> मैंने शेख साहब से बताऊं क्या सीखा नेकी कर दरिया में डाल। डालते आप ही भूल जा शेख साहब दरिया में नहीं डालते ना यार क्यों आप फुल टॉस दे रहे ना एक्सक्यूज मी My name is Shahzad Sheikh and you'll be watching me on excuse me with Amad Ali Butt. आजाद एक्सक्यूज मी में एक और एपिसोड और एक और शख्सियत के साथ आज हम मौजूद हैं इनका तारुफ क्या करवाएंज इनके ऊपर छाप एक भरपूर नेपोटिज्म की मिसाल है आ, लेकिन इन्होंने नेपोटिज्म को गलत प्रूव किया है बिकॉज ऑफ इस टैलेंट ही बिलोंग्स टू वन ऑफ़ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान नॉट ओनली फादर इज़ अ लिविंग लेजेंड ही हैज़ लॉट ऑफ बिग शूज टू फिल लेकिन इन देखते देखते इन्होंने अपना नाम बनाया अपनी पहचान बनाई और आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली <laughs> सर, सर, so शुरू के तीन चार साल तक अजीब सा लगा मुझे यार क्या हाल है ठीक हो खरीद से वो कैसे जी जी अब ठीक है अच्छा मेरा सलाम दे रहा हूँ यहाँ तक के हमारी सही हमा भाई ने मेरा नाम लिखा था जावेद शेख सन मैंने कहा यार हद हो गई वो अब, अब मैं हूँ चेंज हाँ आ, आ, ये चेंज करवाया मैंने उनसे बट हाँ ऐसी है तो बस ऐसी है अब भाई डॉक्टर का बेटा क्या बनेगा डॉक्टर बनेगा मोची तो नहीं बनेगा ना भाई तो भाई हम आ गए फिर हाँ, और और देखिए मैं मुझे लगता है कि नेपोटिज्म चलो अगर भाई कोई बंदा टैलेंट नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती एक्टर बनाने की कोशिश करें तो नजर भी आता है mm. और लोग यूं रिजेक्ट mm. कर देते हैं अगर भाई टैलेंट ना होना तो लोग फारे करवा देते हैं mm. लेकिन अगर आप में टैलेंट है और आप इंडस्ट्री में हैं यू डन सम वंडरफुल ऑडियंस तो होता है ये कि इनिशियली उनका रिएक्शन नापसंदगी में जाता है mm. कि यार या नहीं ये तो उनका बेटा है फलाना है डमकाना है क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है मुझे पता है

जब कैमरा रोल होता है या मैं किसी ड्रामे की शूट पे होता हूँ या फिल्म की शूट पे होता हूँ तो इट इज जस्ट मी ऊपर से अब्बा आके मुझे कोई सिखाएंगे नहीं बताएंगे जो उन्होंने आज तक किया नहीं सो वट एवर आई हैव लर्न इज बाय माई सेल्फ ओनली एंड वट एवर आई परफॉर्म इट्स इट्स कम्स फ्रॉम मी दैट्स इट आपकी बहन मोमन एंड बोथ ऑफ यू अप व यू बहुत क्लोज या बड़ा ही मतलब कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग से था नहीं वेरी क्लोज इज बिकॉज मी एंड मोमल वेज बाय माई मदर एज अ सिंगल पेरेंट बिकॉज बाबा वन लाहौर वी हैव टू डू फिल्मी थिंग एंड्स लाइक दैट सो पढ़ाया लिखाया उन्होंने बड़ा किया मी एंड मोमल वी हैव लाइक अ वेरी वेरी शार्प क्लोज बॉन्ड

बट इट्स वेरी टफ स्पेशली वन यू बिलोंग टूरी बिग एक तो आपके ऊपर mm -hmm. ना mm -hmm. आ, कि अच्छा वो आप उनके हैं वो mm -hmm. खानदान है आपका तो mm -hmm. एक वैसे ही आपके ऊपर आ जाता है प्रेशर <laughs> अच्छा लोग कितने फनी होते हैं पीपल ऑफ ऑल्सो आस्टमिया आपकी अम्मी का क्या नाम है यानी कि आप में इतना करेज है कि आप ये पूछ रहे हैं यार क्या मतलब तो वो कहते हैं अच्छा वो तो नहीं वो तो नहीं बट यू नो विम यू डील विद थिंग दैट एंड अगर आप ज़्यादा अपने ऊपर लेंगे But, uh, अगर आप यू डी इन अ वे सो मी एंड मोमल वीलवेज टीच अद्स बींग इन द इंडस्ट्री तो वैसा ही मजा आया उसमें मैं एक आपसे बड़ी छोटी सी बिकॉज अभी आपने बात की ना कि अम्मी का नाम uh, मैं क्लास थ्री थ्री में था मुझे अच्छी तरह याद है मैं स्कूल की छुट्टी हुई मैं बाहर खड़ा हूं तो किसी ने ना ऊंची आवाज में कहा कहना वो गया एगो नूरजान था <laughs> तो अब मुझे पता था कि भाई मेरी नानो तो नूरजान है तो मैं आराम से ना चुप करके गई हूँ तो दूसरी आवाज आई थी आहो आई कंजर अगेन मतलब कितना ईजी है किसी के लिए कहना है <laughs> कि आपको <laughs> लेबल कर देना <laughs> कि विदाउट नोइंग नोइंगे हो है कौन तो हमारी इंडस्ट्री में ये जो होता है ना and plus I'm sure you you face this more you get judged by your family's name absolutely But clearly yeah. जी, अगर आपके अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने घर वालों से जाके पूछा तो कहा कंजर होता क्या है और मेरे माँ ने एकदम मुझे कहा था wow. मतलब ये कहाँ से आया yeah.

दोस्त का वो कमी महसूस नहीं हुई हम घर पे ही होते थे एंड देन वी वी यूज्ड टू हैव हैवर्स बैग इज बिकॉज अम्मी का एक टेम्परमेंट होता था कि अच्छे मार्क्स नहीं है तो बैठाई है तो जूते तो ये ah, हा, तो हा, वो, मुझे भी पड़े हुए ah, मैं। तो म, मैंने मोमल को प्रोटेक्ट करना मोमल ने मुझे प्रोटेक्ट करना सो यू नो सो एंड सो फोर्थ चलता गया और विद टाइम यू नो दैट टाइम पास्ट टू बट आई एम ग्लैड दैट जस्ट नॉट मी इवन मोमल पुल थ्रू इन दीज टफ टाइम्स एंड इट एक्चुअली टीचज लाइफ दैट वै टू फेस सच क्वेश्चन और सच आंसर्स और सच पीपल तो आपको ये रियलाइज होता है यार ये सब इनकी गलती नहीं है इनके माइंड सेट की है और इनका माइंड सेट जहाँ से आ रहा है वो इस्टेब्लिश नहीं है कहीं सो यू नो अगर मैं भी अगर मैं ब्रोकन फैमिली से नहीं होता तो मुझे नहीं पता था पता चलता है कि यार हाउ इट फील्स बिल्कुल सो एब्सोल्युटली उनकी गलती नहीं है इट्स इट्स हाउ यू कंसीव पीपल एंड हाउ यू थिंक अबाउट देम क्योंकि मैं अगर अभी इस टेबल के इस कोने में बैठा हूँ और आप उस कॉर्नर में बैठे हैं तो मैं कभी आपकी जगह नहीं आ सकता और आप कभी मेरी जगह नहीं आ सकते और हमारा बेशक टाइम के अंदर वक्त एक है लेकिन परस्पेक्टिव अलग अलग अग है मैं एक अलग एंगल में बैठा हूँ आप एक अलग एंगल में बैठे हुए तो हमेशा किसी को अंडरस्टैंड करना कि नहीं यार वो किसी और एंगल से आ रहा है या उसको कोई और मतलब है या उसको समझ नहीं है इतनी तो आई थिंक uh, इतनी आपको वैल्यू रखनी चाहिए अपने दिमाग में आई एम श्योर मेरे वाले साहब ने भी अदाकारी वगैरह की और मुझे उनकी बड़ी याद थी कि जी फिल्में वगैरह बा हजूर की पड़ी होती थी मगर मेरा ख्याल है मेरा पहला इश्क जो एक्टिंग से हुआ था वो मुझे मेरे अब्बा हजूर को ही देख के हुआ था मुझे एकदम रियलाइज हुआ उस, आ, हम लोग सिनेमा में तो नहीं थे मगर मुझे उनकी वीएचएस पे मैं फिल्में उस टाइम पे आई थी दैट वाज आई सॉ माय फादर इन अ वेरी डिफरेंट लाइट और वो कहते हैं कि बेटे का एक रोल मॉडल और वो जो होता है वाज योर फर्स्ट लव विद एक्टिंग थ्रू योर फादर स्टिल मैं और अब्बा जो मैग्नमस पे पढ़ने जाते हैं यू नो तो द लव दैट पीपल गिफ्ट्रेडिबल आई मीन यू नो जब हम बाहर होते हैं तो वो एक मुझे बाप का जोन खत्म हो जाता है और मुझे देखता हूँ यार ये बंदा आई मीन एवरी वन कमिंग टू हैम लोग आ रहे हैं पुलिस वाले आ रहे हैं यू you नो know, कहीं के स्टाफ आ रहे हैं हर कोई बंदा उनसे जाके मिल रहा है ये कह रहा था जब आप फिल्म स्टार एक की एक जगह होती थी और अब उनमें से हमारे पास बहुत कमी लोग बच गए हैं बट आई फील ऑनर टू बी हिसन एंड यू नो लुक सो मच लव इन पीपल्स आइज फॉर हिम अभी आपने जो बात की थी ना कि भाई uh, माँ बाप का मैंने बाद में रियलाइज किया मुझे देयर वाज अ टाइम आई वाज वेरी अपसेट विद माय फादर गॉड रेस्ट हिज सोल जब अम्मा अब की डिवोर्स हुई मैं अपने अब्बा को ब्लेम किया अम्मा के साथ हमारी हम लोग छुप छुप के मिलते थे और इस तरह वाली चीज़ें बट लेटर ऑन ओवर द इयर्स आई रियलाइज वट पीपल बोथ ऑफ द मार्क वट बिकॉज आप उस टाइम पे तो आप अपने को सिर्फ माँ बाप के हैसियत से देख रहे होते हैं लेकिन आप जब अठारह उन्नीस बीस साल के होते हैं आप जॉब करना शुरू करते हैं कमाना शुरू करते हैं आप है है कि कि यार यार नहीं नहीं ये 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 इंसान और 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 होती होती हैं हैं हर एक से जरूरी भी भी गलती हो ये भी हो सकता है कि यार आपकी कम्पेटेबिलिटी नहीं हो रही किसी इंसान इन्दा, hmm. hmm. और वो वो एक जो कपल है वो काफी अरसे तक सिर्फ इसीलिए चला रहा होता है कि यार बच्चों का क्या होगा बच्चों का क्या होगा बहुत से इस तरह के लोग होते हैं जो

तीस साल चालीस साल के भी बच्चे हो जाते हैं तो वो सेपरेशन हो जाती mm. है वी बिंड थिंकिंग अबाउट फॉर द पास्ट एन है सर यार तो अगर आप एक एज अ फैमिली यू सेट डाउन एंड यू टॉक इट आउट क्योंकि यार ये ये नो माई कंपेटिबिलिटी अब नहीं हो रही सो इट्स मूव इजी टू पार्ट वेज देन टू जस्ट टेक डिसीजन एज अ कपल एंड नॉट गेट द इन इम्पोर्टेंट टू इट सो so, मेरे ख्याल से बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए उनको समझाना चाहिए कि यार ये ये चीज़ें और इस तरह हो रहा है और बिफोर आई गेट वन थिंग क्रेडिट गोज टू माई मदर दैट शी नेवर उन्होंने नहीं सोचा कि यार मैं बच्चों को नहीं मिलाऊंगी बाप से या ये नहीं होगा वो उनका हमें हमेशा गर्मियों की छुट्टियों पे हमें बेचा लाहौर दो ढाई हाँ। महीने हमने अब्बा के साथ कजन के साथ स्पेंड किया सो हमारी वो उनके साथ वो बॉन्डिंग रही सो ओबियसली आई सी इट इन माय मदर्स मदरजाइज आई सी इट इन माय फादर्स आइज़ दैट यू नो जो डिसीजन हुआ वो ठीक नहीं था पर दैन यू नो अब आप मेरे ख़्याल से अगर आप किसी की आंखों में रिग्रेट देख लें तो उससे ज़्यादा आप फिर क्या ही कर सकते हैं So, are you still on talking terms? No, yeah, yeah absolutely. It? Baba, we we live in the same house. Baba lives in the uh, lower portion. We live in the upper portion. Or, I mean, we fight each other. It's still going on. That's important. That's important. Yeah, but it's good. Uh, they become kids. Alhamdulillah. yeah, kids. absolutely. Yeah. 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 yeah, Uh, you are father, mashallah. Hmm. Uh, did fatherhood change you? Uh, yeah, completely. It changed my personality. Mm -hmm. Yeah. सबसे so, पहले एक क्यों yeah. क्योंकि मेरा भी वन आई बिकेम फादर मुझे एकदम एहसास हुआ कि मैं कितना डरपोक हूँ

भाई भाई नहीं रखी हार्ले डेविडसन ये वो hmm. और मैं फुल स्पीड है ये वो हाईवे हाई पे जाके सो वी यूज टू हैव अ ब्लास्ट और फिर हम एक क्वार्टर माइल की रेस भी लगाते थे किसकी बाइक ज्यादा तेज है सो वी यूज टू गो ऑन नाइनटी टू हंड्रेड माइल्स एनी वे फिर वो जब औलाद हो गई मैं शामी माई फर्स्ट टाइम वनी के मैन वो एक्सलेटर मुझसे आगे जाए ही नहीं सौ के बाद मेरे को नहीं यार hmm. अब मेरी जो जिंदगी है वो सिर्फ मेरी नहीं है बिलोंग्स टू माई फैमिली नाउ उनका ख्याल आना शुरू हो गया कि यार uh, नहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो ये फिर पीछे क्या होगा yeah. और फिर लोगों ने कि बेटी होगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना हो जाएगा तो फिर बेटी हुई तो मुझे तो ऐसा कोई वो फीलिंग नहीं आई लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया आई हैव नाउ ए मेन्स रिस्पेक्ट फॉर फीमेल्स आई I मीन mean, जो मेरी वाइफ है मुझे लगता है कि अब समझ में आती है कि वो अपने बाप के लिए क्या है सो यू नो इट्स गेम चेंजर ऑबली एंड देन यू नो हमें छोट भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें आप yeah. सीखते भी हैं तो uh, नहीं इट्स आई एक्चुअली ट्राई टू लर्न फ्राम देम बिकॉज नाउ देव स्टार्ट गोइंग टू स्कूल पहले मैं जब शामी हुआ था तो मैंने सोचा था कि यार इसको जो है ना मैं आई वॉन्टेड अ बॉय फर्स्ट ना तो मुझे थी कि नहीं यार जो चीजें मुझे नहीं मिली ना वो इसको जरूर uh. और तो तो दो तीन साल तो मैंने जो है ना इस तरह गुजारे के भाई जो चाहिए जो क्या फलाना इट्स नॉट मी आई नो आई मे स्टार्ट ऑन थिंग Boy, and you know, I need to slow down and mm. roll my horses. And Needs to learn the value of yeah, no. Yeah, yeah, yeah. I think uh, uh, it's the women in our lives that keep us sane. Absolutely. Otherwise, I'm very Acting. Uh, were you always good at studies? Yeah. So I was alright. I was average. I bachelor's in computer sciences. did हुआ है मुझे लगा कि यार ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें नौ से पांच बगैर टाइप के जाना पड़ेगा hmm. <laughs> तो एक मिसाल घर पे ही बैठी हुई थी hmm. so, like, जरा थोड़ा शायद थोड़ा you know, कम बोलने वाला लड़का मैंने कहा इसको तो जरा चेंज करना पड़ेगा खैर उस वक्त मेरे पास ग्रीन कार्ड था आई गेव इट अप लेटर बट जब था तो आई वेंट आई वेंट टू न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी कर दिया हाँ दस साल पहले <laughs> अब क्या कहते हैं <laughs>

मैंने दस बारह साल ट्रैवल कर लिया था हर साल जा जा के जा जा तो बस हो गई थी मैंने कहा यार अगर आप इधर रहना नहीं है इस मुल्क में तो क्या फायदा कि हर कंपलसरी में इतने पैसे लगाऊं और इस तारीख से पहले मुझे उधर पहुंचना हो सो आई फाइनल बट उन्होंने मुझसे पूछा रीजनिंग मैंने यार, Pakistan, so were, uh, like, आपने जब भी करना हो अच्छा आप कर सकते हैं पीडी होगा एनीवेज आई डिड माय एक्टिंग थिंग फ्रॉम द न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी एंड भाई वहां पे उन्होंने क्या कुछ सिखा दिया क्या चीजें आ गई मजा आ गया बिकॉज़ पूरी दुनिया से लड़के-लड़के आए हुए थे उनका बैकग्राउंड ये वो और नाउ वाज द बेस्ट ईयर हाफ ऑफ माय लाइफ आई हैड सो मच ऑफ एक्सपोजर एंड आई वाज लिविंग इन न्यूयॉर्क एंड यू नो इट वाज

ग्लेयर लाओ आंखों ग्लेयर क्या होता है बॉस ग्लेर है। डालो फील करो मोहब्बत को वा, 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 वा। कोड़े मारो दो साल इसमें गुजर गए बस सोचा नहीं भाई अपने बस की गेम नहीं है कुछ और करते हैं बट ना आफ्टर सिक्स मंथ्स आई वाज लाइक नहीं इनको ये चाहिए तो यही करते हैं फिर जन आए मैंने सारे ड्रामे खोले यूट्यूब पे सब कुछ सारा चाटा सारा देखा कि भाई कौन जो जो एक्टर्स हैं जो मुझे पसंद हैं वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं देखिए शान भी गया था बाहर फिल्म पढ़ने वो भी पढ़ के जब आया था उसने फिल्म बनाने की कोशिश हुँ, की लेकिन एंड में पंजाबी ही बने हाँ, आपको एज एन एक्टर अपनी ऑडियंस डिसाइड करनी है कि हुँ. आप किसके लिए काम कर रहे हैं तो जब आप इससे मुतमयन हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से

जी अच्छा और फिल्म पढ़ के आए उसके बाद अब आप ड्रामे कर रहे हैं और आपने मैंने भी रिसेंटली देखा है यू ट्राइड सम वेरी डिफरेंट रोल्स वो जो एक गुड लुकिंग एक एंग्री यंग मैन और वो जो सैड हीरो के ट्रेंड से आपने एकदम हट के दो तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं जिसमें आपने एक स्पेशल <laughs> नदीम <मही> भाई ने बुलाया <laughs> उन्होंने मुझे एक एक स्क्रिप्ट ऑफर की मैंने कहा नहीं नदीम कहता है आप क्या लगड़े लूले करोगे रोल करना गूंगे का करना <laughs> <laughs> कि अब कब को था मेथड एक्टिंग करोगे <laughs> <laughs> कहते हैं वो वन ऑफ होता है <laughs> अब बाकी आ, दूसरी स्क्रिप्टों में आते मैंने कहा जी याद बट आई ट्राई टू डू थिंग्स आई ट्राई टू ज माई कम्फर्ट जोन मैं हमें तीन चार साल गुजारे नाइस बॉय गुड लुकिंग गाय फ्रामिका रिटर्न वो जहाँ पे एक्टिंग स्किल्स कितनी आठवें बारहवीं तो वो कर करके मैं थक गया था नोट so um, हर किसी बंदे की आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यार मेरी यू एस पी क्या है मेरी यू एस ये है कि मुझ जैसी एक्टिंग को नहीं कर सकता चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो तो आप यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट चांस दैट शॉट कि यार आपने किसी का छापा नहीं मारना आपने किसी से इंस्पायर नहीं होना आपके अंदर से जो आ रहा है ना वो आपने कन्वे करना बिल्कुल सो आई वॉज कम्प्लीटली ऑनस्ट विद माई सेल्फ यू नो टेकिंग दिज आई वॉज टेकिंग दिज रोल्स एंड चैलेंजेस एंड इट डिट पे ऑफ एंड थ्रू कैरेक्टर्स आईव लर्न सो मच आई लर्न सो मच के आर एक्टिंग कभी आपको सिखाई नहीं जा सकती एक्टिंग तो अंदर से आएगी ना और अगर आप उस कैरेक्टर के अंदर घुस के जब कैमरा एक्शन होता है तब काम शुरू करोगे तो आप भूल जाओगे hmm. कि यार लेफ्ट राइट सेंटर कौन कैमरा लगा है कौन सी लाइट ले रहा हूँ नहीं ले रहा शेडो आ रहा है कुछ भी हो रहा है नाउ दिस इज योर स्पेस एंड यू हैव टू डील और डायलॉग्स आपको याद नहीं करने हैं आपको क्यों याद करना है अगले बदले का वो क्या बोल रहे हैं आपको डायलॉग खुद बाखुद आ so, you know, really and, um, आ सो यू नो अ प्रोसेस एंड एंड आई रियली इट वापस पे पे गया अच्छा कैसा फील होता है कि जब आप लुक्स कास्ट होते हैं क्योंकि एक होता है ना कि यहाँ हम लोग ये देखते हैं उसका टैलेंट क्या है वो लाइन कैसे बोलता है uh, मतलब डू यू फील के यार बिकॉज आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइंड वो ये पहले इस चीज़ में बड़ा होता था कि यार क्या मतलब है मेरी लुक्स पे लोग मुझे जज करते हैं मैं भाई अल्लाह ने तेन सोना बनाया है, तो जाहिर बात है तो कभी इस तरह का फील हुआ यार क्या मतलब है मतलब वही दोस्त है उसी दोस्त वही दोस्त है अच्छा। नहीं लुक्स मैटर कहती हैं और ये आ, पहले मुझे लगता था कि नहीं होता लेकिन एब्सोलूटली होता है और पूरी दुनिया में होता है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता पूरी दुनिया में होता है लेकिन अब

एंड अब्बा हजूर की ब्लैसिंग्स थी उसमें हाँ सबकी ब्लैसिंग <x2> थी ठीक है तो थोड़ा अम्बा सा डर लगा बस अच्छा <laughs> <laughs> हाँ, 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 सो इट टुक लाइक इट इट टुक टू इट थ्री इयर्स टू कन्वेंस हाँ कि यार रुक जाओ पहले मोमल की शादी होना है तो फिर हम करेंगे जरा ईजी है, है ना एंड शी जस्ट ज्वाइन द फैमिली एंड नाउ शी इज द फेवरेट एंड मेरी मैं नंबर टू पर हूँ मेरी बहुत सारी बातें होती हैं जो मुझे नहीं पता होती और हिना को पता होती है बस मैडल कर लूंगी अच्छी बात है यार वो तो ज़रूरी होता है अच्छा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक जो नया नहीं वो जो एक प्रो प्रोडक्शन हाउसेस की जंग एक चल रही mm. है आ, ये हमारा एक्टर है वो हमारा एक्टर है वो उसके साथ काम नहीं mm. करेगी उसके साथ नहीं काम करेगा हाउ डू यू एज एन एक्टर ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिकॉज प्रोजेक्ट हारे के पास अच्छा आ सकता है बिल्कुल आ सकता है यू डू चूज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट या अकॉर्डिंग टू ये कंफर्ट लेवल इस प्रोडक्शन हाउस के साथ है कंफर्ट लेवल है और अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है ऐसा हो, मैंने मुझे लड़ाई शड़ाई का किसी का शौक, शौक शौक नहीं है और मुझे फजूल के पंगे करने का शौक़ नहीं है मैं सेट पे जाता हूँ अपना काम करता हूँ हाँ मैं सेट पे घंटा डेढ़ घंटा लेट जाता हूँ लेकिन उसके बाद मगर यहाँ थप्पा भी लगा देते हैं ना जब ये तो काम ही सिर्फ उसके साथ करता है नहीं 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 तो मैं अलहमदुल्ला मैंने सबके साथ ओके बनाई हुई है सलाम दुआ मेरी सबके साथ है आई एम नॉट आ डिफ़िकल्ट एक्टर टू वर्क विद सेट पे मेरी कोई इतनी कोई फरमाइशें नहीं होती या मैं लेट कोई ऐसा नहीं है कि मैं दिन पे नहीं गया या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ क्योंकि मुझे अब्बा ने सिर्फ एक बात सिखाई जिंदगी में जो काम तू आज छोड़ेगा जो सीन तू आज छोड़ेगा वो तुझे कल करने ही है और तेरी ही शक्ल नहीं करने सो इट्स बेटर टू जस्ट डू एट एंड गैट डन विद इट तो मेरी सबसे अच्छी बनी हुई सारे प्रोडक्शन हाउसेस से हाँ हर हर जगह अपनी अपनी एक फेवरेटिज्म जरूर है बट मुझे लगता है कि यार अगर कोई स्क्रिप्ट वो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं और मुझे वो कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा देन आई गिव माई रीज़न एन आई बैक आउट और फिर उनका ये होता है नाराज़ हो जाते हैं ये हो जाता है वो जा तुमने नहीं किया फलाना झमकाना तो मैं कहता हूँ नहीं जिस तरह की मुझे स्क्रिप्ट चाहिए आप मुझे उस तरह की दें सो यू नो इट टेक्स दम टाइम ऑल्सो दो तीन महीने बाद फिर कॉल आ जाती है कि अच्छा अब ये कैरेक्टर ये करते कभी हैं कभी किसी काम के लिए या कोई रोल हो जिसके लिए अब्बा बाकी सिफारिश करवाई हो नहीं

मुझे पता है कि खुश बहुत होते हैं बट ही डेस टू मी के मुझे पता है वो इसलिए नहीं करते ना उन्होंने कभी मुझे पुश किया कोई काम करने के लिए ना मुझसे कभी पूछा कि तुम क्या काम कर रहे हो किसके किस से मिल के आ रहे हो कौन सा प्रोडक्शन हाउस का स्क्रिप्ट है कौन डायरेक्टर है, है क्या है क्या नहीं करनी क्या तुमने प्रेप की है रोल के बारे में उन्होंने तो जब सारी खुआारी मैंने की तो अचीवमेंट भी सर मेरी होगी ना mm. फिर ऑब्वियसली कहाँ उनके बाद पचास साठ अवार्ड्स पड़े हैं और मेरा पहला था बट यू नो इट फील्स गुड दैट यू नो I just backed myself and uh, I'm very content now hmm. um, at the stage I am in um, hmm. with the kind of work I'm doing. अभी फिलहाल ऐसे हालात हैं कि स्क्रिप्ट्स नहीं हैं मेरे पास काम नहीं है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ये छोड़ दिया है मैंने यार Have you ever thought about doing uh, your production? Yeah, I'm hmm. actually um,

Hmm. मुझे मैंने एक प्ले देखा मैंने कहा यार मैं तो इससे बहुत बेहतर कर सकता फिर मैंने हो? अपना प्ले खुद कर लिया ठीक हाँ, है फिर मैं टेलीविजन में इस तरह आ, आ, आ गया मुझे किसी ने जैन थिएटर में देखा वहाँ से आया फिर मैंने अपने लिए प्रोड्यूस करना आगा। आगा। शुरू कर दिया मुझे तो कोई कास्ट नहीं कर रहा तो हर कोई यही कर रहा है ना सर हर कोई कर रहा है आपको लगता है ऐसी स्क्रिप्ट लगाओगे लिखवाओगे जिसमें आप आंख खोलोगे रोज और आप कहोगे नहीं यार आज ये वाली आज ये वाले स्क्रीन है आज ये वाला सीन है तो लिखवाओ काम करो यार उस उसमें hmm. तो बस अब वो इन प्रोसेस राइट स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी देन यू यू नो आई बी ऑन इट हाउ डू डील विद ब्यूटी इन योर लाइफ बड़ी रोमांटिक औरतों के साथ आप काम भी करते हैं hmm. रोमांस hmm. का hmm. सीन वगैरह आता है ऑल दैट ये कैसे हो सकते कि बंदे को कुछ फील ना हो कि अच्छा यार ये तो बड़ी खूबसूरत है जितनी हमारी को एक्टर्स हैं सो ब्यूटीफुल सो प्रोफेशनल को हल्की फुल्की फ्लटिंग तो हर किसी के साथ चलती रहती है वो बट आई थिंक आई एम एट अ स्टेज नाउ जहाँ मुझे रोमांस यहाँ से लगता है कि यार रोमांस यहाँ से होना चाहिए क्योंकि ब्यूटी आई बिलीव इज वेरी डिफरेंट दस पंद्रह साल में वो चीज़ खत्म हो जाती है आई डोंट नो डों पीपल डोंट हैव डों मोर हाँ ये भी मेरा मसला है

छा मैं का, आज तक कहते रोज को पता है <laughs> वो आज तक कंट्रोल नहीं कर लेजेंड <laughs> really, uh, मैंने आज तक उनको सेट पे बैठे हुए नहीं देखा और ये मैंने जीपीएन वन में उनके साथ नोट किया था कि वो सेट पे आते थे खड़े रहते थे घंटे hmm. 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 शिफ्ट, घंटे hmm. और वो hmm. कहते कहते नहीं यार वो मैं काम करने आया हूँ hmm. तो मैं एक ही दफा बैठू बिल्कुल तो मैं वहां से पूछता यू वर्क बिकॉज आई फील हिज वर्क आप उनको चाहे स्टार ट्रेलर में खड़ा कर दें hmm. या उनको कचरे में hmm. खड़ा hmm. कर दें वो एक, hmm. एक का hmm. कर hmm. ये ये वाली कमिटमेंट ना बहुत कम लोगों में hmm. जिस तरह अब्बा बताते हैं कि मैं पीटीवी जाता था दीवार कूद के मैं शूटिंग देखता था ये करता था वो करता था और कभी किसी डायरेक्टर ने बुला लिया उसने बोला यार वो नौकर का रोल है कहता जी जी नहीं मैं करूँगा तो वो नौकर हाजिर हो रहा है चाय के साथ और अब्बा मुस्करा रहे हैं सो so, मैंने आई सैट डाउन थिंक अबाउट इट यार मुझे तो सब कुछ प्लेट में मिल गया आई डन दिस मैं कहता हूँ हाँ मुझे पैशन है बहुत पैशन है ये हो लेकिन ये खुआ तो मैंने बिल्कुल नहीं की बिल्कुल तो अगर मेरे अब्बा इस काम में ना होते तो क्या मुझ में इतना पैशन होता कि मैं ये सारी चीज़ें करता उस पर ना होता खैर टाइम भी अलग है उस वक्त टाइम कुछ और था अब टाइम कुछ और है पहले एक, एक तरीके से चीज़ें मिलती थी अब एक और तरीके से चीज़ें मिलती हैं hmm. सो आ, मेरे पास बहुत सारे आते हैं लड़के पूछते हैं यार हमें एक्टर बनना है आप हमें गाइड करें कि हमें करना क्या चाहिए देर कॉज योर आंसर अगर आपको एक्टर बनना है यू शुड नो वट यू शुड डू Hmm. आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है इतने प्रोडक्शन हाउसेस है वहाँ जाके देना है और ये सब कुछ योर पैशन के यार अच्छा मुझे एक एक्टर बनना है अब एक एक्टर बनने के लिए आपने क्या क्या करना है इतना तो समझ आपको होनी चाहिए ना इसी हाँ, तो आपको हाँ, पता होना चाहिए? चाहिए कि कितने प्रोडक्शन हाउसेज है कहाँ कहाँ हैं उधर जाके में अपनी ऑडिशन दे दू जाके सो यू नो आई डाउन एंड थिंक अबाउट पैशन आई बिलीव माई फादर हैज इट मोर देन मी आई गैस

हाउ ड्यू डील विद द हेट जो कि हमारे ड्रामों एक किस्त ऑन एयर होती है और उसके बाद एक जो ट्रोलिंग शुरू होती है और वो हो अगर तो आप बड़ा अच्छा काम करें तो ये प्यार आता है और अगर वो होता है तो वो है वो गालियाँ आती हैं और हम मैं आई थिंक इट्स बिकॉज वेर हमारे इंडस्ट्री में ये है बिकॉज हम लोग ईजी एक्सेस है हम लोग रोज आते हैं स्क्रीन पर तो इट्स वेरी ईजी टू से

नहीं नहीं तो खींच के दो एपिसोड और निकाल हाँ, हैं। दो नहीं नहीं सर पांच सात आठ निकल जाती है अगर अच्छा चल जाए बट लेकिन उसका भी एक पैटर्न है क्योंकि एक पेस से कहानी शुरू होती है और फिर वो कहाँ पहुंचेगी अगर वो गुस्सा कर रहा है वो मारपीट कर रहा है तो वो बाद में अच्छा भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा सो यू नो दैट स्क्रिप्ट विल टेक अ लॉट ऑफ टर्न्स सो इनिशियली आपको रेडी होना चाहिए कि हाँ दो तीन एपिसोड तो अच्छी हैं उसके बाद ड्रैग आएगा एक बीच में तो उसके बाद एक बैंग आएगा उसके बाद फिर वो ड्रैग आएगा उसके बाद एक और बैंग आएगा और फिर वो कहानी एंड जोन पे चली जाएगी आई एम रेडी मुझे पता होता है कि यार इस किस्त में मेरे इतने सीन ये वाले अच्छे थे और ये जो अगली वाले छः एपिसोड्स हैं उसमें बोरिंग काम है सिमिलर काम है सो यू नो आई एम ऑलरेडी प्रेपिंग माई सेल्फ के यार आ, कौन कौन सी किस्त में कहाँ मैंने अपनी गेम उठाई है क्योंकि मेरे पास इतना मार्जिन था तो वहाँ पर तारीफ भी बहुत होती है लोग प्यार भी बहुत देते हैं और जहाँ पर और थोड़ा ड्रैग आता है तो आपको पता होता है कि यार ये इस तरह कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया काम में किस चलो कर लेते भाई पैसे भी तो चाहिए। <laughs> <laughs> चलो, भी तो तो चाहिए चलो किचन चलाना होता है कभी कभार बिल्कुल 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 बहुत। बहुत जहाँ हम लोग बात करते हैं कि आ, मतलब यो मतलब फादर बट ग्रोइंग ट्रू इंस्पिशन मिली हो बहुत सारे ये से मैंने ये सीखा बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स बहुत सारे बहुत सारे फीमेल एक्टर्स हैं Um, they have inspired me so much and, um, उनका काम देख के लगता है कि यार एक डायरेक्टर हैं मैं उनके साथ बहुत काम दिल से काम करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं उनका काम देखता हूँ कहता हूँ यार ये सेट पे कौन इस तरह की वाइब होती होगी कौन है वो जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं काश भाई काश्य अच्छा उनका उनका हर एक आप ड्रामा लिख लें उनको ये नहीं लगता कि यार मेरा बैकग्राउंड कितना खूबसूरत आ रहा है या नहीं आ रहा ख्याल से वो फोकस करते हैं कि उनके एक्टर की आँखें और उसका चेहरा क्या बोल रहा है सो यू नो दैट्स आई वॉन्ट डू सो हीज़ बिन अग इंस्परेशन मैंने बड़े मिन्नत समाज करके उनसे टाइम लिया और एक डेढ़ घंटा बैठा उनके साथ और जब मैं वापस घर गया मैंने कहा यार काम की बात तो की नहीं उनसे <laughs> <laughs> कि सर अगला प्रोजेक्ट अगर कर रहे हो no. तो भाई बट नोज ग्रेट मीटिंग है एंड देन यू नो कंटेंट हूँ अब जो काम मिल रहा है ना uh, अगर आपने सोच लिया कि जो काम आपके पास आना है वो आपके पास आना है और अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे वो आपको नहीं मिलेगा तो उसमें आपने दुखी हासिल करना हो mm. कुछ नहीं सो बी कंटेंट सारी चीजें आप अल्लाह पे छोड़ दें और जब कैमरा रोल हो रहा हो ना उस, उस वक़्त आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा होता है जब वो लाल बत्ती ऑन हो जाती है तो उसका मतलब है सब भूल जाओ घर में क्या प्रॉब्लम है सेट पे क्या प्रॉब्लम है फलाना है ढमकाना है जो भी है अभी जो रोल हो रहा है वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा क्योंकि जब ये टी वी आएगा तो उसको कोई ना कोई देख रहा होगा अब वो आवाम हो कोई डायरेक्टर हो कोई प्रोड्यूसर हो तुम्हारी एक लाइन या तुम्हारी एक बात किसी को भा जाए तो वो तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचा देगी उसके उसके बाद तुम्हें क्या ये जो ड्रामा चल रहा है ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारी अगली स्क्रिप्ट क्या होगी हमारे एक एक टाइम था कि जब हर पाँच से दस साल बाद एक हीरो हिट होता था जिसे अभी भी होता है नहीं अब अब जरा चेंज हो गया आपको क्या लगता है साल में होता है नहीं मैं बताता हूँ नुमान नुमानजाज साहब आए एक वक्त था कि वो एक सिंगल हीरो हिट हुआ ड्रामे के अंदर उसके कोई आठ से दस साल के बाद एक और क्रेज आया अब जो एक क्रेज आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं हर साल एक हीरो हिट हो रहा है जिस तरह ये साल आप कह लें बहाज गए ठीक है उससे पहले अहमद अली अकबर था एक साल पहले इमरान अशरफ था उससे एक साल पहले एक और था ठीक तो टक 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 करके आप आई थिंक बिकॉज हम कॉन्टेंट अब इतना ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं कि हर साल एक ड्रामा क्लिक होता है और हिट एक ड्रामा क्लिक होता है हिट एक ड्रामा तो इतने ज्यादा जहाँ कंटेंट आ रहा है उसमें डोंट यू थिंक हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है बिल्कुल हो रही है बिल्कुल हो रही है स्क्रिप्ट ऐसी बन रही हैं कभी कभार अजीब सी स्क्रिप्ट हिट हो जाती है कभी कभार सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से वो ड्रामा हिट हो जाता है हाँ। आ, कभी कभार आपको लगता है कि यार ये पंद्रह तो पिछले

बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं hmm. आ, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जहाँ ड्रामा सोलवी या एपिसोड तक खत्म हो जाना चाहिए हम उसको तीसवीं तक खींच रहे हैं सर रो रो के इस बात पे रोज हमेशा सेट के ऊपर हर डायरेक्टर से हर प्रोड्यूसर से मथा मार मार के मैं तो थक गया दिस विल नॉट चेंज दिस विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट यू कॉन्ट अ कॉन्वर्जेशन अबाउट दिस विद द पीपल फोर इन द बिजनेस राइट नाउ इज बिकॉज उन्होंने भी तो पैसे बनाने हैं यार

करोड़ सवा करोड़ रुपए कमा लिए उसमें से एक्टर को तो नहीं है, कुछ मिले क्योंकि एक्टर्स में यून, यूनिटी नहीं है ना हम अगर पांच एक्टर्स इस कमरे में बैठे हम तहिया कर ले हम नहीं करेंगे काम जब तक हमें रॉयल्टी नहीं मिली ऐसा होएगा नहीं एक स्क्रिप्ट मुझे ऑफर होगी मैं बोलूँगा नहीं मैं नहीं कर रहा वो किसी और को ऑफर हो जाएगा वो नहीं करेगा वो तीसरे को ऑफर चौथे पाँच छठे लाइन लगी हुई है बस

जिनसे मेरी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं मिलती हो मैं अपनी एनर्जी ज़ाया करूँ क्यों आई हैव माई ओपिनियंस मुझे जो लगता है वो मैं अपने घर पे बात कर लेता हूँ उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ अच्छी होती है उसके बारे में तारीफ भी करता हूँ जो चीज़ मुझे बुरी लगती है जैसे आजकल मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन इसी तरह हर एक को बुरा तरह लग इसी तरह, 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 तरह चलते आ रहे हैं और बट यू नो आप एक अगर अपने आप को ना अगर कॉर्नर कर लेंगे ना तो कहीं तो कहीं तो आके प्रॉब्लम होगी हाँ। तो एक अपने आप को कॉर्नर कर रहे हैं और एक अपने आप को कॉर्नर कर रहे हैं आप पहले कौन चैलेंज करेगा आप ये वक्त ही बताएगा आपको लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर आगे बेहतर आपको नजर आ रहा या, 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 है इतना है। है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि यू नो नोवियसली इंडिया में तो फैन फॉलोइंग थी अब um, टर्की में रशिया में यू नो वहाँ से um, लोग मैसेजेस कर रहे हैं यू you नो know, आपके वो बना रहे हैं um, आपके ड्रामे के क्लिप्स काट के आपको भेज रहे हैं सो यू नो इट्स रियली गुड कि हमें अपने ड्रामे प्रमोट करने चाहिए ना आई थिंक हमसे अच्छा ड्रामा कोई नहीं बनाता सिर्फ अगर हम उस तीस एपिसोड को किसी तरह बाईस एपिसोड पर लगा के ख़त्म कर देना तो मैं कहता हूँ वो ड्रामे की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो फिर आप बार बार देखना चाहते हैं कि यार ये कितना अच्छा ड्रामा था और कैसे इतनी जल्दी खत्म भी हो गया यू नो क्योंकि वहाँ पे आप फिर ड्रैग नहीं करते चीजों को नहीं, नहीं होती यार इतना अच्छा ड्रामा जा रहा था और उसकी इतनी एंड में भंड मार लेते हैं तो बंदा कहता है यार ये क्यों किया मुझे काम करते हैं और हम लोग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इनसिक्योरिटीज आपकी होती हैं आर्टिस्ट के तौर पे भी जैसे-जैसे हल्के से ग्रे बाल आना शुरू होते हैं आपके थे? Oh. अच्छा <laughs> अब ग्रे आ रहा है हल्का इस आजकल क्या है नॉट नॉट व्हेन यू आर ग्रोइंग अप व्हाट आर यू इनसिक्योरिटीज डेज नन 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 इफ आई थिंक अबाउट समथिंग अगर कोई मैटर है हाँ कोई परेशानी है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ और क्या है अगर मेरी माफ़ी मांगने से चीज़ें सही हो जाती हैं ज़्यादातर यही होता है ना वो होता है आपका आप कहते तो नहीं यार मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा है और आप कहते हैं कि नहीं यार दस साल पुरानी मेरी दोस्ती या मैंने नहीं भी है दोस्ती तो दोस्ती उस समय जाके माफ़ी मांग लूँगा तो हमारी कम से कम कॉन्वर्जेसन तो अब आगे बढ़ेगी ना तो मैं जाके माफ़ी मांग लूँगा एंड ना से आई एम सॉरी बट uh, जहाँ आपको लगता है कि आपने अपनी एनर्जी ज़ाय करनी है जो चीज़ आपके एक कंट्रोल में नहीं है और उसमें आपने अपना दिमाग खपाना है और रातों की नींद हराम करनी है देन इट्स पॉइंटलेस बिकॉज द वर्ल्ड वर्क्स इन अ वे दैट यू रियली कॉन्ट फिगर आउट मैं एक ये नहीं कह रहा कि आप ट्राई ना करें चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल करें बट दे इज ओनली सो मच यू कैन डू

लेजीनेस की वजह से किया mm -hmm. एक मुझे प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है उसके साथ ही अगले दिन बोल रहे थे जी इस प्रोडक्ट पे जा रहे हैं हम लोग मैं वो भाई मैं भाई ब्रेक लेता हूँ दस दिन की सुन तो लो मैं भाई रिलैक्स और वो ड्रामा कौन सा था वो था ड्रामा बस लेकिन अब आपको लगता है यार ये मैं कर लेता तो क्या होता बट mm -hmm. हर चीज का ना एक टाइम होता है mm -hmm. और वो ना वक्त से आपको पहले मिलेगा ना आपको उसके बाद मिलेगा तो जिस तरह चल रहा है बी कंटेंट विद योर वर्क Have um, have that have that that um, pressure, thrive. Whenever you you go on set, you know, give your your 100%. Think Think about your scenes that you've done uh, at night. Think के यार उसमें क्या क्या गलतियां थी जो मैं कल नहीं करूँगा अरे वाह क्या बात है मुझे एक बड़े अच्छे डायरेक्टर ने एक बात की एक बहुत बुरा सीन था बहुत बुरा सीन मैंने कहा यार सर ये करेंगे हम पढ़े यहाँ पे बहुत बुरा सीन लेकिन हम इसको इस तरह करेंगे कि ये आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा सीन हो जी कहते हैं हाँ हम बुरे काम को भी तो अच्छा बनाए ना अरे वाह अपनी अपनी सिलाहत से अपनी कैपेबिलिटी से मैं इसको इस तरह शूट करूंगा कि ये अच्छा सीन होगा और आप इसको इस तरह बोले अपने अंदाज में

कौन आपके माइंड में आता है जब मैं ये कहू गरम मसाला <laughs> ये आ गया <laughs> लेकिन बाहर का है जो है जो भी है बताए कौन है दीपिका कौन वेरी नाइस तीखी मिर्ची तीखी मिर्ची क्या होता है तेज मिर्च मतलब वो स्पाइसी टू स्पाइसी ये मैं बता भी नहीं सकता <laughs> क्यों सनी लियोन <laughs> वो कौन है आ, वो है एक एक बाजी है <laughs> जी बताइए तीखी मिर्ची मेरे ज़हन में अभी कोई नहीं आ रहा तीखी अच्छा, मिर्ची अच्छा तीन गुजर भी गई और कहते हैं मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रहा क्या <laughs> तीन, तो <रहे>, तीन।, <laughs> तीन तीन थोड़ी तीस तीन अच्छा चले मीठा पान ओ स्वीट मीठा पान लड़कों के नाम भी ले सकते हैं ना आ, क्या आ, मीठे में रहा रहा आपका रहा लड़का ही यानी कि सेफ होने की कोई गुंजाइश नहीं है नहीं, <laughs> करे भाई करे करे मैं तो वेट कर रहा था कि आपने मीठे पे वहां चले गए चले बताए जी मीठा पान दे <laughs> चले मैं चेंज कर देता हूँ मैं भी शायद ओ मीठा पान स्वीट गैलेक्सी वेरी नाइस जी ओके काबली पुलाव बॉस क्या नाम है

अच्छा जी मटन चाप मटन चाप जूसी टेंडर यार तो मैं तो मैं तो बोल रहा हूँ आप, मेरे जहन में जो है ना सर वो आपकी थिंकिंग है सॉरी देखिए शेख साहब को कुछ एलिमेंट तो होगा <laughs> मैंने मैंने शेख साहब से बताऊ क्या सीखा नेकी कर दरिया में डाल कि आप ही भूल जा <laughs> शेख साहब दरिया में नहीं डालते ना <laughs> <laughs> यार क्यों आप फुल टॉस दे रहे हैं ना करें ना साहब नटन बताएं मटन चाप आयशा उमर कह रहे भाई ओ भाई कह रहा है आप क्या अच्छा आपने अच्छा एग्री कर लिया ये तो वैसे हाँ मटन चाप आयशा उमर ओके जी गुलाब जामुन आ... अरे गुलाब जामुन तो हर एक का फेवरेट होता है सज्जल

कम रखी नहीं नहीं लेकिन मैं एडिट करके ऐसी निकालूंगा आपकी सोच है अच्छा आई कंप्लीट करें अच्छा uh, <laughs> कभी कभी मैं बोर्ड बना लेता अच्छा अच्छा जी uh, काश मैं गा का सकता है ओके जॉगर आई नो व्हाट सी यू सेइंग या आई एम अ और मैं सारी अपनी जो सिंगिंग टैलेंट है अपनी बेगम को वॉइसोटोट में भेजता था <laughs> कभी रिप्लाई नहीं आया <laughs> <नहीं है। laughs> हार्ट आता है बस सही है ओके oh, 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 <laughs> दिल रखने के लिए औरते और क्या, क्या करती क्या करती वाह 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 अच्छा वो एक रोल दैट आई वुड लव टू प्ले आई थिंक माय फेवरेट मूवी इज रॉकस्टार बट इम्तियाज अली

ओके <laughs> okay. अच्छा किस सदक... टाइम पे यार प्लीज अगला प्रोजेक्ट प्लीज ओके okay. अच्छा किस अदाकार को मेकअप पे कम वक्त गुजारना चाहिए मेकअप पे मेकअप कौन ज्यादा करता है तो सारी करती नहीं इतना ज़्यादा तो कोई नहीं करता हाँ जब वो कोई मेरे खास इवेंट इवेंट के रोल आते हैं तो उसमें ज़्यादा हो जाता है बट आई हैवन सीन आई हैवन वर्क विद को एक्टर हु ज़्यादा मेकअप लगाती हो लाइनें घर से याद करके आया करो हाँ। कौन मैं खुद अच्छा हाँ मैं कभी एक बार भूल जाता हूँ ओहो अच्छा जी आ, किसके साथ काम दोबारा नहीं करना चाहूँगा नहीं सबके साथ काम करना चाहूँगा सब सबके साथ ओके अच्छा अवार्ड्स टू मी आर एक का दुक्का मिल जाए तो ठीक है मगर पहले जरा वो था ना थ्राइव थी कि यार ये अवार्ड की चस्किया होती है होना चाहिए ये होना चाहिए जब अब एक <laughs> मिल गया है तो मेरे ख्याल से uh, um, uh, लेकिन अपने भाई बहुत बहुत धान लिए थे तो है। तो जब तक इतना अच्छा काम ना करो कि वो सबको पसंद आ जाए और वो मजबूर हो जाए एक बहुत बड़े अदाकार उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी आई वुड नॉट नेम हिम कि बेटे अवार्ड शादी की तरह hmm. पहली मिलने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है उसके बाद उसके बाद अगर मिलते जाएं तो खुशी तो होती है लेकिन अहमियत नहीं रहती नुमान भाई छोड़ दे <laughs> तो शादियों की तरह है कि शादी हो रही है तो खुशी होती, होती है मगर बिल्कुल बिल्कुल अवार्ड बाकी शादी की तरह अच्छा जी कौन सी पॉलिटिकल फिगर कैसी है कि जिसके ऊपर अगर कभी फिल्म बने वुड लव टू प्ले हिम और इमरान खान फास्ट वाव। बॉलर से शुरू की जाएगी है।, तो, की तो है, शुरुण शुरुण तो तो है 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 गोहर ने तो कमिंग आउट आउट एंड ग्रेट कुछ मामला लेकिन अच्छा हमारी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा चीज क्या इंप्रूव करनी चाहिए इंडस्ट्री की एक्टर्स uh, प्रोड्यूसर्स किसी बात एज होल पर नहीं हमें जो है ना अब टाइम आ गया कि uh, एक दूसरे की तारीफ करें hmm. मुंह पे तारीफ करें हम बोलें कि यार तुमने अच्छा बेशक कोई एक्टर हो या प्रोड्यूसर हो उसने उसका अच्छा प्रोजेक्ट है या एक एक्टर है उसने बहुत अच्छा काम किया तुमसे भी अच्छा काम किया तो आप बोलें उसके मुंह पे यार क्या काम किया मजा आ गया वेरी गुड किस अदाकारा को डायरेक्शन ट्राई करनी चाहिए बेचारी अपने आप को डायरेक्ट करती रहती है इसलिए कोई फायदा नहीं।, नहीं मैं सोच रहा थिंक सजल, अच्छा? uh, so. हाँ, right. uh. हाँ, सजल कर सकती hmm. और किस डायरेक्टर को एक्टिंग करनी चाहिए hmm. um, 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 अली फजाल Hey, हाँ, अली फिजान के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया और जिस तरह वो भाई सीन आपको समझाते थे, थे यार यही तो चाहिए मुझे आँखों में बड़ा खतरनाक और नहीं, मेरे ख्याल से सारे एक डायरेक्टर्स एक्टर्स होते हैं जिस जिस नौत से और जिस चाहत में आपको सुना रहे होते हैं वो आपको लगता है यार क्या एक्टिंग कर लेकिन फिर वो कैमरे के सामने आके वही चीज करना आई थिंक That's the thing. One thing that I learned from my father That I want to pass on. Patience. Very nice. Sir, thank you so much. Thank Aame you for having me. Aap Actually, you know what? The reason for me coming here is because obviously um, hum

शेख साहब की गलती एडमिट करना चाहते तो जल्दी से बता दें शेख साहब की गलती एडमिट करना चाहते नहीं नथिंग कोई नहीं नहीं ना ठीक है मैं बता दूं उनकी गलती थी उन्होंने एक दिन ना पिंक शर्ट पहन के आए हुए थे मैं शेख साहब से पूछ मैं सर ये पिंक शर्ट अभी हाँ। पे थे बड़ी मजेदार उन्होंने ना वेलबिट से पिंक पे मैं सर किस डिज़ाइनर की कहते पता नहीं मगर फिट आ गई मुझे वाँ 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 वाँ। और पिंक उन पे बहुत सूट करता है आई 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 थिंक 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 ही ही true uh, chameleon. He is. A... Achha, do you consider yourself a, a, a director's actor or a writer's actor? Ooh, uh, director's, because director's mm -hmm. aaree, hai, hai, is because uh, director set पे होता है उस वक्त क्या मुश्किलें आ रही हैं किस तरह सीन को चेंज करना है क्या हमारे पास सहूलियात हैं किस तरह मैनेज करना है सीन को तो वो आपको डायरेक्टर बताएगा कि हाँ यार इस सीन को अब इस तरह हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जिस तरह राइटर ने एक्सप्लेन की और मेथड एक्टिंग में आप अपने आप को कंसिडर करते हैं आई बिलीव द मोमेंट इन दैट मोमेंट आपको किस इंटेंसिटी से वो लाइन आ रही है किस तरह किस रुख में हवा चल रही है वो उस मोमेंट में ही हो सकता है वो तो डायरेक्टर आपको जितना भी बता देगा किस मोमेंट में पॉज देना है कब आंखों में देख के बात करनी है कब नहीं देख के बात करनी है आई थिंक इफ यूर इन द मोमेंट यूर जस्ट बींग ऑनेस्ट एज एन एक्टर और एक बात जो सब जानना चाहते हैं ये गोहर के घर जो वो uh, सी uh, एम होती है आ, uh, सिर्फ सीक्वेंस नहीं होती अब क्या होती है बहुत सारी गेम है आप आए ना सर अब तो आप कराची आ गए हैं आपको भी गौर अहमद भाई को फोन करना दो इंसान है कुछ लोग वहाँ रौंदियाँ करते हैं मैं दो दिन खेलने आए थे तो मुझे पता लगा था कि आप लोगों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं से भी नहीं है ठीक है रोला ज्यादा मचाते हैं आप लोग और आप लोग वैसे भी पोकर नहीं खेलते आप लोग सीक्वेंस खेलते हैं सर क्या किधर आप मुझे लेके जा रहे हैं पोकर में सर तो अच्छा नहीं होता ना नहीं नहीं, तो जरूर वेगस में होता ऑल आजाद इसके साथ ही मुझे अहमद अली भाट को इजाजत दीजिए शेर साहब को इजाजत दीजिए एक्सक्यूज मी की एक और एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखें पाकिस्तान का ख्याल रखें थैंक यू सो मच थैंक यू